एक बहुत पुराना हमारे गाना रहे, शायद सभी सुने हो, कि रुके में कमरिया ने कभी जहां राम जी की चर्चा हो हंसियों की चर्चा होना जरूरी होती है। एक घड़ी बुनियाद घड़ी याद हमने बुनियाद तुलसी संगत साधि के लिए हरे को कपड़ा अच्छा शिव की नगरी है, क्या बात है। तो हम आज शिव की नगरी में हैं तो उनकी चर्चा होना बहुत जरूरी है। वहां कैलाश था, शिव भूमि कैलाश था, कैलाश शिव मंदिर, क्या बात है। आज बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी बहुत सारी बहनें, मेरी भौजी, मेरी छोटी चाची, बड़की चाची, बड़की फूआ, सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सबको दिल से प्रणाम कि मैं औरतों का सबसे पसंदीदा हीरो हूँ, है ना, ठीक है, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा औरतों का दर्द गाया हूँ, सबसे ज्यादा औरतों का दर्द गाया हूँ, चाहे जो भी मेरा कैसे थे कि हम भाई प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मैं हाथ मिलाऊंगा तो मैं कितने लोगों से हाथ मिलाऊं बताइए, आप मुझे बताइए। मंटू सोनी जी लव यू, इतने अच्छे लोग हैं आप कि कलकत्ता में मंटू सोनी जी हम लोग का पहला मुलाकात है, बड़ा अच्छा लगा आपसे देखिए। और हमारे धनंजय भैया, पंकज भैया, इस टीम के जितने लोग हैं बड़े प्यारे खूबसूरत लोग हैं, सिर्फ एक गड़बड़ है, फोटो बड़ा खिंचा रहा है, लेकिन सबके साथ होता है, फोटो को सब लोग खिंचवाइए करेंगे, लेकिन हम कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बदुआ कभी टाली नहीं जाती। आजकल एक माँ बर्तन माँज के चार बच्चों का पेट पाल लेती है साहब, लेकिन एक चार बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती, ये दुनिया है। मैंने एक सिनेमा किया था जिस सिनेमा का नाम था लाडला, उसमें एक माँ के ऊपर मेरी बेटी के नाम पर सिनेमा बना था, कृति एंटरटेनमेंट से बनाया था। मैंने सिर्फ अपनी खुशी के लिए दो सिनेमा, तीन सिनेमा में अपनी खुशी के लिए बनाया था, एक लाडला, संघर्ष, और अभी कुली नंबर वन आने वाली है मेरी। तो मैं वो एक आधारित ऐसा है कि माँ बाप के आधार होता है तभी मैं कोई सिनेमा करता हूँ। मेरे आदर्श मेरे पापा हैं, मेरे पापा मुझे बहुत गरीबी में, कभी मैं मुझे पैसे नहीं होते थे कि मैं पढ़ पाऊँ, पापा गार्ड का नौकरी करते थे और दिन में चाना भूजा बेचते थे, लेकिन आप लोगों ने इतना प्यार के सरिया को दे दिया कि शायद मैं आज दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हूँ आप सबके दिल में रहने वाला। मैं आज सोशल काम बहुत ज्यादा, मैं हर साल अपने पैसे से कम 100 लड़कियों की शादी कराता हूँ, कन्यादान देता हूँ, तो मुझे खुशी होती है क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन इन बहनों को देखता हूं तो लगता है कि दुनिया का सबसे खुश नसीब भाई होंगे, इतनी सारी बहनें हैं। लवी बहना, तो होता है मजा आता है आप सबका मदद करने में। मैं जहानाबाद में, जहानाबाद के बड़ा के बगल में जो गुजरात हादसे में अमरजीत सिंह नाम था उनका हत्या हो गया, तो मैंने दो बच्चों को गोद लिया था पूरी आजीवन उनको पढ़ाने का लिखाने का,
तो वो दो बच्चों को लेकर मेरे पास 62 बच्चे हैं जिनको मैं गोद ले लिया हूँ और पढ़ाता लिखाता हूँ। तो मुझे खुशी होती है कि मैं कभी 10 रुपये मेरे पास नहीं होते थे ताकि मैं मेला घूम सकूं, लेकिन आज मेरे इतना अमीर इस धरती पे कोई नहीं है। इसलिए कि जहां मैं कुछ गाता हूं कि सफलों को छोड़कर पर काम न थाम ले, तब तक मेरे से 500 रुपये। तो मेरी एटीएम आप सब हैं, वेडाउट नंबर क्या आप लोग पैसा खेसरिया के पास देखते हैं, इससे बड़ा धनी कौन हो सकता है। अपने जीवन में एक काम जरूर करना, एक माँ जब हमें पैदा करती है तो अपने सुंदरता का ख्याल नहीं करती। जब एक माँ हमें पैदा करती है तो वो सुंदरता नहीं देखती कि मैं पैदा करूंगी तो मेरा सुंदरता कम हो जाएगा, लेकिन एक सुंदर बीवी के चक्कर में हम अपने माँ बाप को ही छोड़ देते हैं, ये कभी नहीं करना। माँ बाप के ऊपर मैं बता रहा हूं आप सबको कि माँ ऐसी छाया है। पहले के लोग करते थे कि पहले के लोग अपने माँ बाप को आज भी पूछते हैं, उसका रीजन है क्योंकि माँ जब बच्चे को पैदा करती थी पहले ना तो अपने सीने की दूध पिलाती थी, उसे अपने छाती की दूध पिलाती थी। आजकल के औरतें पैदा करती हैं उठा के होकर उसके डाबा धरा देती है। अभी बताएं जब पहले बताबा तो उसका बुझी गया बहन बताबा। तो जब वो सीने का दूध नहीं पिएगा तो अपने माँ बाप का कद्र कैसे करेगा, क्योंकि उसने कभी अपने माँ का महसूस किया ही नहीं, उस आंचल को देखा नहीं, उतना दूध पी नहीं पिया ले बाप। इसलिए नहीं हमारे यहाँ की औरतें ऐसी नहीं करती हैं, जो विदेश में रहते हैं वो करती हैं। हमारे यहाँ की औरतें बहुत अच्छी हैं, ये लोग अपने सीने का दूध ही पिलाती हैं अपने बच्चों को। कम करो बाबू, इसको कम करो। तो इसलिए मैंने वो सिनेमा किया था, तो उसका सिनेमा का एक लड़की से एक लड़का बेहद प्यार करता है, प्यार करता है। वो एक कोठे की लड़की रहती है, कोठे पे रहने वाली है, उससे उसे प्यार हो जाता है। लड़की पूछती है कि तू मेरे लिए क्या कर सकता है, बोलता है कि चांद तारे तो तोड़ के नहीं ला सकता, लेकिन इस धरती पे जो कहोगे तुम्हारे लिए जाके दे दूंगा। बोलती है कि अगर इतना ही प्यार करते हो तो अपने माँ का कलेजा लेकर आ सकते हो क्या। लड़का बोलता है तो बहुत छोटी सी बात है, मैं अभी आया अभी गया। माँ दूसरे के घर में जाकर बर्तन मांजकर आटा मांग कर लाई है और अपने बच्चे के लिए 12 बजे रात तक वेट कर रही कि मेरा बेटा अभी तक आया नहीं, खाया नहीं। 4 रोटी बनाकर बच्चे को खाना खिला देती है, अपने पानी पी के सो जाती है, लेकिन बच्चा जैसे माँ को नींद लगता है एक खंजर उठाता है और माँ के सीने में डाल देता है और कलेजा निकाल देता है। और वो कलेजा लेकर अपने गर्लफ्रेंड के पास जाता है, फिर से लगती है हाथ से कलेजा छोड़कर नीचे गिरता है, कलेजे से आवाज आती है कि बेटा तुमको कहीं चोट तो नहीं लगी ना। तो ये माँ का प्यार होता है कि दुनिया तेरे लिए मोल खा जाना, कि सब कर बनते जाए, कि तू के ना हर दम बेटा खाती माई के कलेजा। जब कलेजा उठाकर बच्चा लेकर जाता है अपने प्रेमिका के पास तो प्रेमिका बोलती है कि जो रे बाप ते 6 महीने के प्यार खाती 18 साल के प्यार भुला देंगे, तजे अपना माई के ना भयू हमार का हो, ते धरती पर जी अपने माँ बाप का नहीं होता है दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। इसलिए मैं अपने अगर आप माँ हैं अगर कौशल्या बनेंगी तो शायद आपकी बहू भी सीता बन जाएगी। मतलब के कई बार लोग चाहोगे कि हमारे सीता बहुला जैसा संभव नहीं है। अगर अपने बहुओं को बेटी की तरह रखिएगा तो शायद वो आपकी बेटी की तरह ही बन के रहेगी और हमेशा प्यार दे दिएगा। लव यू की रोटी में कमली अभी कभी नहीं लगा, हर एक तो मैं चल रही हम दे जब भी यादा के लिए पर हो। आप रहे भैया प्रणाम कि पिया डराई बोई हो। One, two, three, four.
तपिया का जाई कर हो तपिया जा रही हो तपिया जा रही हो।